मेरी बहन बुशरा ने भी प्यारा सा जूता पहना है और खदीजा ने भी। तो आज हम चल रहे हैं, बुशरा सामने नहीं आती इसलिए उसका फेस मैं नहीं दिखाऊंगी। ये हमारी टॉपर बच्ची है, पढ़ाकू, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी में जो है ना टॉप पर जाती, झूठ ना बोलो, माशाल्लाह। ये भी क्लास में फर्स्ट आती है, टीचर का घर है, माशाल्लाह। मिलते चले फिर, आपकी टीचर है ये तो। हाँ, और वो ट्यूशन वाली, हम लोग जी ट्यूशन पढ़ने आते थे तो स्कूल में पढ़ाती अल्हम्दुलिल्लाह। आज ओहो, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस टीचर, तुम्हारी टीचर से पूछो, टीचर बुशरा है, टीचर जी अपने स्टूडेंट को थोड़ा सा सिखाओ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। मुझे करवाया नहीं, उस टाइम भी हमारी लड़ाई हो गई, अच्छा अच्छा माशाल्लाह से इन दोनों बहनों की लड़ाई भी बड़ी होती है, बड़ी लड़ाई होती है ना। नहीं, बुशरा अहमद से बहुत प्यार करती है उसको, उससे ना वो अपना असल भाई मानती है, इतना उससे जो है ना उस पर तवज्जा देती है। और एक और बात भी गाइस, आप लोग हम बता दे जाए, हम दोनों बेचारी मजलूम लड़कियां अलग है और अम्मी की चहेती वो है जो आगे जा रही है। नहीं, सिर्फ ये सबसे चहेती बेटी है अम्मी की, बस इसकी तारीफ में तो अम्मी पुल बांध दे, तारीफें करते करते क्या जितना करो उतनी कम है। ये देख लें गाइस, ये माँ बेटियां जो है ना, ये बड़ी हमें पीछे गया। हाँ, हम दोनों बेचारी मजलूम बच्चियां पीछे हैं और ये माँ बेटियां बड़ी चलाक हैं, बस एक दूसरे की तारीफें करती रहती हैं। हैं, हम दोनों बहुएं हैं आप लोगों की, जो आप लोग ऐसी करती हैं है, इसलिए नंद बन के दिखाती, ये सास बन के दिखाती है। हाँ माशाल्लाह जी, सेम होती जा रही है लेकिन इस बच्ची की इज्जत कोई नहीं ना मैं करती हूँ, अहमद से भी मार खाती है। और हम तीनों जा रहे हैं शॉपिंग करने, जा रहे थे शॉपिंग देखने जा रहे हैं कल हो गई थी हमारी इम्तियाज, गए थे शाम को, आपने ब्लॉग शेयर किया वो। हाँ, वो भी किया, शॉपिंग भी हो गई है और आज भी हम शॉपिंग करके हैं, बस अब हम ऐसे ही जा रहे हैं। ये समर्स है, असल में बुशरा की फ्रेंड्स आ रही हैं और अम्मी और मैं भी बोर हो रहे थे तो हमने कहा चलो जी चले। और मैं तो हर जगह होती हूँ। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और अम्मी और मैंने बर्तनों की पैकिंग स्टार्ट की है। अभी आधे भी ये बर्तन नहीं है, अभी सिर्फ प्लास्टिक के आधे। वापसी पे आते हुए हतीजा ने चीज ले ली थी और मैंने भी कहा कि मम्मा कुछ ले लेते हैं, मम्मा ने कहा गंदी चीजें लेने से बेहतर है आप कोई अच्छा सा फ्रूट ले लो जो आपको पसंद है, तो फिर हमने ग्रेप्स वगैरह ले लिए ताकि जाते हुए टूट ना जाए, साफ कर करके, क्योंकि हमारा डिवाइडर टूट गया था और सारी जो है ना जो यूज नहीं होते थे फिर उनमें सारे। यहाँ से मैं सारे बर्तन निकाल रही हूँ, अभी तो बहुत बर्तन पड़े हैं, चीनी के बर्तन पड़े हैं, कांच के पड़े हैं, नॉन स्टिक पड़े हैं, अभी तो मिट्टी के बर्तन पड़े हैं और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर भी पड़ी हैं टोकरियाँ वगैरह, बस अब सामान साथ साथ अम्मी पैक कर रही है, मैं निकाल के दूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये कुछ इस तरह से इन छोटी पेटियों में बर्तन पैक हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ऊपर वाली पेटी में शीशे वाले गिलास कप ये चीज़ें और नीचे वाली में सारे प्लास्टिक के हैं, और जो चीनी के थे वो अभी हमने पैक नहीं किए, वो किसी डब्बे में करके खुद ही सेफली वो हम लेके जाएंगे, बस ये वाला काम हो गया है अब अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर, और जैसे कि सबको पता है कि मैं अभी फ्री हुई हूँ, रात का टाइम है और शिफ्टिंग चल रही है तो सारा दिन बस पैकिंग हो रही होती है। अभी भी हम लोग, मैं और मामा, बर्तन वगैरह पैक करके हटे हैं, बर्तनों को साफ किया है और उनको कपड़ा लगा के पेटी में पैक किया है ताकि एक ही पेटी जाए, दो पेटियां बनी हैं, दोनों फिर एक ही टाइम पे चल जाएंगी, बर्तन नहीं टूटेंगे। तो पेटियां पैक हो चुकी हैं बर्तनों की और बाकी जो है ना
हम सोचते तो इस तरह है कि एक ही दिन में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, एक ही दिन में हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज हमने काम स्टार्ट किया है तो तकरीबन हमें बहुत सारा टाइम लग गया है, सिर्फ दो काम ही हम कर सके हैं, थक जाते हैं। फिर साथ साथ मेरी शादी की शॉपिंग भी चल रही है, मतलब जितना हो पा रहा है उतना मम्मा पापा कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़, ज़रूरत की हर चीज़ जो है ना होनी चाहिए। और तीसरा दिन है, हम लोग मुसलसल फर्नीचर देखने जा रहे हैं, एक जगह से हमें पसंद भी आ गया, दूसरी जगह से भी आ गया है, और फाइनल करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो काफ़ी कुछ देखना है, और उसके बाद जो है ना दोनों में से एक फाइनल कर देंगे। और अगर अभी हमने खरीद लिया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो एक ही टाइम इंसान को पसंद आती हैं और वो बार बार जो है ना मार्केट में नहीं आती, और फिर अगर वैसे हम बनवाएं भी तो फिर 19-20 का फर्क जो है ना वो रह जाते हैं। अगर हमें अभी पसंद आ जाते हैं और हम उसको बाय कर लेते हैं तो अभी हम बाय करके और इन लॉस के घर शिफ्ट कर देंगे उसको, बेशक रुख्सती जब मर्जी हो। तो जो चीज़ अच्छी लग रही है, तो अगर फर्नीचर पसंद आ गया तो बाकी सारा सामान भी एक ही टाइम पर हम लोग जो है ना लोड करवा के वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बार बार जो है ना लोड करवाना और बार बार किराया भरना ट्रांसपोर्ट के, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो अभी फिलहाल इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो जैसे ही कुछ डिसाइड होगा तो आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, फर्नीचर वगैरह मैं अभी आप लोगों से कुछ भी पिक्चर्स भी शेयर नहीं करूँगी, वो जब मेरा रूम पूरा डेकोरेट हो जाएगा और शादी वाले दिन ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, तो इस चीज़ के लिए थोड़ी सी मास्टर। काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारी बातें थी जो मैं ब्लॉग्स में क्लियर नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा चलिए इसे अब शेयर करती हूँ। दूसरी बात यह है कि शिफ्टिंग में कामों में इतनी ज़्यादा बिजी हैं हम लोग कि मैं मुंह धोना भी भूल गई हूँ, तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। और मैं इसलिए नहीं करी, मैंने कहा कि वैसे स्किन ख़राब होनी है, दो तीन दिन तो कामों में लग ही जाने हैं, तो बाद में शिफ्टिंग के बाद ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो बस अभी मैं फेस वॉश करके आई थी, मैंने कहा चलें साथ साथ सारे क्वेश्चन भी क्लियर करते हैं और क्रीम वगैरह भी अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम टाइम नहीं मिलता। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो। मैंने अपने बालों का हेयर स्टाइल भी चेंज कर दिया है, इस तरह की ब्रेड यहाँ से बनाई है और बीच वाली मांग निकाली है, इससे क्या है कि फेस छोटा लगता है, अच्छा लगता है, क्या कहते हैं आपको। और जी ये मैंने नाइट क्रीम बनाई है इसमें, तो अच्छी क्रीम है, यही समझ लें कि मेडिकेटेड चीज़ें भी डाली हैं इसमें और मैंने सब कुछ डाला है। सबसे पहले मैं एक और चीज़ लगाऊंगी, इस तरह की जब मैं क्रीम बनाती हूँ ना तो उससे पहले भी या वैसे भी मैंने मेडिकल स्टोर वाली क्रीम लगानी होती है। ये मेडिकेटेड क्रीम है, इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसको अप्लाई करने के बाद ही मैं कोई और क्रीम लगाऊंगी। जो मैंने क्रीम बनाई है ना, ये मैं लाइफ में यूज़ तो नहीं करती कभी भी, क्योंकि पहले भी मुझे स्किन इश्यूज़ बने थे, लेकिन अब जैसे कि शादी करीब आ जाएगी तो थोड़ा सा केयर तो बनती है ना, कि लड़कियों का इतना तो हक होता है ना। अच्छा, सबसे पहले ये मेडिकेटेड क्रीम जो है ना मैंने अच्छे से स्किन में ऑब्जर्व कर ली है, ये मैं अब लगाना स्टार्ट करूँगी, बस हल्की सी यहाँ हल्की है बस। अब इसको फेस के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना, बस ऐसे हल्की सी लेयर लग गई, पता बस एब्जॉर्ब नहीं करना इसको स्किन में नहीं एब्जॉर्ब करना, फिर इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर शायद साइड इफेक्ट्स हों। क्रीम अप्लाई हो गई है अच्छे से, अब मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। अल्लाह कहीं मिल जाए मुझे, मेरा सामान बिल्कुल बिखरा पड़ा है, मॉइस्चराइजर तो नहीं मिला। ये थी जी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज जो है ना वीडियो में कुछ डिफरेंट ही चीज़ थी, हमारी थर्ड वाली सिस्टर जो है, मतलब हमारी मिडिल सिस्टर जो है, वो व्लॉग्स में नहीं आती, लेकिन थोड़ा बहुत हमने व्लॉग में उनको लिया, लेकिन बातें उन्होंने कोई नहीं की, बस साथ ही थी। लेकिन यही शुक्र है कि साथ तो थी ना, उनको सोशल मीडिया पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि
आप सिर्फ दो बहन है, आप और खतीजा, इसीलिए मैंने कहा चले आज इसको भी साथ ले आऊं ताकि लोगों की कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। नहीं जी, हम सिर्फ तीन बहने हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। लोग पूछते हैं कि आपके भाई का, भाई अहमद का और आप लोगों का एज डिफरेंस बहुत है, तो वो मेरा भाई नहीं है, मतलब सगा भाई नहीं है, मेरे छोटे मामू का बेटा है और उसको हमने गोद लिया हुआ है, तो इसीलिए वो हमसे छोटा है। वैसे हम उसको यही पता है कि मैं इनका भाई ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी हमने उसको फील नहीं कराया और ना ही कभी उसने फील किया, ना ही उसने, हालांकि उसको भी पता है कि मेरे पेरेंट्स ये नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने पेरेंट्स का कभी नाम नहीं लिया। जाहिर है प्यार मोहब्बत इतना होना चाहिए कि अगर किसी के बच्चे को हम पालते हैं तो अगला बच्चा भी दिल से आपके साथ जुड़ जाए, तो ये चीज़ होती है। और बस पैकिंग चल रही है, शिफ्टिंग चल रही है, साथ साथ आप लोगों के शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी इसी तरह जुड़े रहिएगा, प्यार मोहब्बत दिखाते रहिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।